तो अब हम लोग जा रहे हैं जो मिलेनियम कॉन्वेंट स्कूल का जो नया जो बिल्डिंग बनकर तैयार हुआ है उसके उद्घाटन समारोह में जा रहे हैं। तो ये हम लोग पहुंच चुके हैं जो मिलेनियम कॉन्वेंट का नया जो बिल्डिंग बनकर तैयार हुआ है वहां पर। स्थापित है और अगले वर्ष हम लोग सिल्वर जुबली मनाने जा रहे हैं। 24 वर्ष बाद गार्जियन का काफ़ी सहयोग मिला। हमारा पोषक क्षेत्र समस्तपुर, जफराबाद, गोविंदपुर, गढ़ोचक, मौजीपुर, कृपाल टोला और कुछ ग्रामीण इलाकों से, और उन लोगों के ही सहयोग से अब हम अत्याधुनिक भवन में आज प्रवेश कर गए हैं। वहाँ बच्चों को काफ़ी कष्ट होती थी, फील्ड का अभाव था, कई तरह के एक्टिविटी हम लोग नहीं कर पाते थे, लेकिन अब नए भवन में आए हैं जहाँ कंप्यूटर कक्ष के साथ साथ सारी आधुनिक सुविधाओं के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई कराई जाएगी। और हमारा उद्देश्य है कि बेहतर, कम से कम फी में बच्चों को बेहतर शिक्षा दें। यहाँ कितना क्लास होगा सर? अभी अभी 7 तक मेरा वो नहीं है। कमरा कितना है? कमरा 20 है, कुल 20 रूम है, 20 कमरे हैं, स्टाफ रूम, गार्जियन के लिए रूम, सारा कुछ सेपरेट, टीचर्स मीटिंग के लिए अलग कक्ष है, बच्चों का आरओ के पानी की व्यवस्था है, बड़ा सा मैदान है, सभी बच्चे अब आरओ के ही पानी पिएंगे, और सारी जितनी सुविधा होना चाहिए इस बच्चों को वो सारी सुविधाएं और कम से कम फी में हम देने का काम है। कोई स्थान में आए हुए हैं, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। आपको शुरू से हम लोग सहयोग में है और मंजल से लेकर के अभी तक जी यहाँ पर चार गाँव पाँच गाँव के लेखन के सुविधा है, विशेष करके सुविधा मिलेगा। नाम बताइए। इस तरह से इसके ऑफिस को सजाया गया है, मिलेनियम कॉन्वेंट के नए बिल्डिंग को आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं संजय सर से। बोलिए सर, तो बताइए यहाँ पर आने का क्या प्रयोजन है? सबसे पहले वसंत पंचमी शुभ अवसर पर, सरस्वती पूजा के अवसर पर मैं सभी हतुआ वासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूँ। आज मिलेनियम कॉन्वेंट का नवीन प्रांगण का हम लोग शुभारम्भ करने जा रहा हूँ। आज का दिन बहुत शुभ था, इसलिए आज का दिन नए पैलेस में हम लोग प्रवेश और शुभारम्भ करने जा रहा हूँ। जैसा कि फतुहा वासियों को मालूम है कि मिलेनियम कॉन्वेंट एक विश्वसनीय संस्था है और विश्वसनीय रहने का कारण यहाँ 700 से ऊपर बच्चे और बच्चियाँ पढ़ती है और यहाँ वेल एजुकेटेड शिक्षक का व्यवस्था है। सभी शिक्षक
ट्रेंड है और यह 24 साल से लगातार अथवा में अच्छा रिजल्ट देकर विश्वास लोगों का हासिल किया। यह संस्था गरीबों का समर्पित रूप से काम करता है। यहाँ सबसे सस्ता और सबसे अच्छा शिक्षा का व्यवस्था पर हम लोग ध्यान करते हैं। यहाँ CCTV द्वारा मॉनिटरिंग किया जाता है और कमज़ोर बच्चों पर हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। हम लोग प्रत्येक साल फी में भी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य, इस संस्थान का उद्देश्य यहाँ गरीबों के बच्चों को आगे बढ़ाना है। हम लोग मेहनत में विश्वास करते हैं, क्योंकि ज्ञान गरीबी को दूर कर सकता है। मैं बच्चों को भी कहता हूँ कि आप तन मन से पढ़ें और स्वाभिमानी बने, देश को अग्रणी में पहुँचाने का आप ईमानदारी से पढ़ें और देश में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आज मैं पुनः इस अवसर पर फतुहा वासियों को, इस विद्यालय के सभी अभिभावकों का शुभकामना और हार्दिक बधाई देता हूँ। जय हिंद। तो आप देख सकते हैं CCTV कैमरा के मॉनिटरिंग के लिए LED स्क्रीन लगा हुआ। तो आप देख सकते हैं जो नया बिल्डिंग बना है मिलेनियम कॉन्वेंट का, और ये इधर बच्चे लोग को आप देख सकते हैं। तो बहुत ही भव्य तरीके से मिलेनियम कॉन्वेंट के नए बिल्डिंग को बनाया गया है और बच्चों का भीड़ आप देख सकते हैं। बच्चों का काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, क्योंकि आज सरस्वती पूजा भी है। तो सामने बहुत ही आकर्षक पेंटिंग से मिलेनियम कॉन्वेंट बना हुआ है और माता सरस्वती का बहुत ही खूबसूरत कलाकारी किया गया है। बताइए, सरस्वती पूजा के दिन में आज सरस्वती पूजा के पावन अवसर पर मिलेनियम परिवार एक नए नूतन स्थल पर अपना पदार्पण कर रहा है। यह मिलेनियम परिवार अपने सफलता के 25वें उन्नत शिखर की ओर अपना एक प्रगतिशील प्रवेश कर रहा है। मैं मिलेनियम परिवार के सफलता के उच्चतम शिखर को प्राप्त करने और उसके अधिक से अधिक आने वाले शिक्षा के क्षेत्र में नया आयाम पेश करें, यही कामना और शुभकामना करता हूँ। नाम बताइए। मेरा नाम कांताकांत, मैं यहाँ सामाजिक विज्ञान विषय के टीचर के रूप में कार्यरत हूँ। मेरा चुनाव कैसे है? हाँ बताइए। मैं मिलेनियम कॉन्वेंट के नूतन प्रांगण में बैठा हूँ सरस्वती पूजनोत्सव के अवसर पर, और नया विद्यालय का नया प्रांगण में आज प्रवेश हो रहा है। यह विद्यालय विगत
25 वर्षों से प्रयत्नशील रहा है और सदा से ही समाज में अच्छे एक नागरिक के रूप में विद्यार्थियों को भेजा है और सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने का प्रयास किया है। यह विद्यालय इस ग्रामीण परिवेश में रहकर भी प्रयासरत रहा है कि न्यूनतम में अधिकतम हम दे सकें, इसकी यही विशेषता रही है और सर्वदा सेवा कह सर्वोपरि ये विद्यालय रखा। यही परिणाम है कि आज हम नूतन प्रांगण में इस विद्यालय को पहुंचा रहे हैं और विगत 15 वर्षों से भी मैं यहाँ सेवा दे रहा हूँ कोचिंग में और विद्यालय में भी, और सदा यह कामना करता हूँ माँ सरस्वती से कि माँ तुम हम लोगों को ऐसी सद्बुद्धि देना कि हम बच्चों की सेवा दें और हमारे बच्चे भविष्य में समाज सेवी बने, देश की सेवा करें, समाज के विकास का काम करें, क्योंकि देश का खुशहाल जब तभी हो, देश की खुशहाली तभी होगी जब हमारे बच्चे खुशहाल होंगे। और इसी के साथ हम अध्ययन और अध्यापन में लगा हुआ हूं और विद्यालय के सतत विकास के लिए कामना करता हूं। माँ सरस्वती से कामना के साथ मैं अपना नाम बताइए। मेरा नाम एसपी उपाध्याय है। मैं यहाँ 15 साल से लैंग्वेज और लिटरेचर टीचर के रूप में काम कर रहा हूँ।